तो हेलो एवरीवन, आज एक नए वीडियो के साथ। बस यार, ये जो इंडक्शन है वो रिपेयरिंग के लिए आया है मेरे पास, तो इसमें क्या फॉल्ट है? करंट देने पे ये जीरो का एरर आ रहा है, देख सकते हो उधर। बर्तन को रखेंगे, चल इसको ऑन कर दिया, देख सकते हो ये जीरो का एरर आ रहा है। तो बर्तन को सेंस नहीं कर रहा है, सेंस तो कर रहा है लेकिन कोई ऐसा छोटा फॉल्ट है जिसके कारण ये इशू आ रहा है, तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। चलो पहले इसको खोल लेते हैं, देख रहे हो ये बर्तन एकदम से ठंडा हो रखा है। पहले तो इसको खोल लेंगे, मैंने पहले से खोल रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसमें फॉल्ट क्या है देखो, पहले मीटर को बजर एंड पे सेट करेंगे, मीटर को बजर एंड पे सेट कर दिया। मीटर बजर एंड पे सेट है, देख सकते हो। तो पहले तो इस लाइन को चेक कर लेंगे, पहला टास्क यही है इस लाइन को चेक करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इधर सब टूट जाता है तो इधर पास नहीं हो पाता, बाईपास नहीं हो पाता। तो इधर ये भी देख लेंगे, हाँ ओके है। अरे प्रॉब्लम ये देख सकते हो, इधर ही प्रॉब्लम है, गड़बड़ इधर ही है। मॉसफेट के एक भी टांग अगर बोर्ड से कनेक्टिविटी टूट गया तो E0 एरर आएगा, U1 एरर आएगा, बहुत सारे एरर आएगा। तो इधर से इस लाइन आया है, ये रेजिस्टेंस में देख लेंगे, नहीं आ रहा, देख सकते हो। मतलब प्रॉब्लम हमारा ही है, प्रॉब्लम यही है, इसको पहले ठीक करेंगे फिर चेक करके देखेंगे दोबारा। पहले सोल्डिंग कर लेते हैं, बैठा देंगे। कपड़ा लेके इस जगह को थोड़ा क्लीन कर देंगे, अब देखो कनेक्टिविटी हो गया इसके साथ। और इधर लाइन इधर से जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी कनेक्टिविटी हो गया। तो एक बार कैपेसिटर भी चेक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैपेसिटर के ओपन होने से या फटने से ही ये प्रॉब्लम दिखता है। हमारा कैपेसिटर भी ओके है, 4.51 UFD NFD का आ रहा है, ठीक है ओके। कैपेसिटर 5P UFD का है, ठीक है
फाइव ई वेव और ये वाला 7.6, ये भी हमारा ओके है। तब क्या कर लेंगे, फिटिंग करके एक बार देखेंगे सॉल्व हुआ कि नहीं, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर से हम चेक करेंगे। फाइनली हमने फिटिंग कर दिया है, अब चेक करके देख लेंगे। पावर सप्लाई दे रहा हो, बर्तन को ऊपर रख के देखेंगे क्या होता है हमारा। चलो फाइनली रिपेयर सक्सेसफुल हो गया, देख रहे हो पानी उबल रहा है। ऐसे रिपेयरिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना, सॉल्यूशन जरूर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।